12 रुपए में आप 75 किलोमीटर चल रहे हैं, आप कैलकुलेशन समझ लो कि आप कितना किफायती पड़ रहा है। कभी भी पूरा बैटरी एक साथ खराब नहीं हो सकता, आपका सीरीज कनेक्शन है, कोई एक बैटरी डाउन होगा, दो होगा। सर आपको हर गाड़ियों के साथ हमारा 2 रिमोट मिलेगा आपको, ठीक है, दो कीज मिलेगा, जिससे नॉर्मली आप फ्रीज वॉशिंग मशीन में भी आपका 3 प्लग सॉकेट रहता है, ठीक है, तो आप उसी में इसको भी यूज कर सकते हैं, इसमें अलग से कुछ भी करने का जरूरत नहीं। रिवर्स गियर सिस्टम भी है। अच्छा, रिवर्स सिस्टम भी है इसमें? जी, मात्र 62,000, जो कि आप अदर कंपनियों से कंपेयर करें तो 1.25 लाख से सबका स्टार्ट हो रहा है। ईवी आज के डेट में लेने का सबको मन है, लेकिन प्राइस के वजह से नहीं ले इतना महंगा पड़ता है कि 1.5 लाख 2 लाख अप्रॉक्स प्राइस चला जा रहा है, इस वजह से लोग नहीं ले पा रहे। तो इसीलिए हम लोग एक ऐसा देख भी रहे थे कि गाड़ी की भाई हम लोग ऐसा ले जो मार्केट में इकोनॉमिकल हो, लोग अफोर्ड कर पाए उसको। तो आपको एक्सेसरीज सर की तरफ से फ्री मिलने वाला है, आप आके ले सकते हो। और बात है कि अफोर्डेबल है भाई, और मात्र 25 से 30% डाउन पेमेंट कीजिए और आप इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। और स्पीड की बात करते हैं, इस गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है क्या? देखिए, इस गाड़ी में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, लो स्पीड गाड़ी है। लो स्पीड गाड़ी है, इसका टॉप स्पीड आपको 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे जाएगा। और ये ICAT जो अक्रेडिशन काउंसिल है उससे वेरीफाइड है, फॉर नो रजिस्ट्रेशन एंड नो लाइसेंस रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस व्हीकल। बैटरी पे तीन साल का वारंटी, बाकी सारे चीजों पे गारंटी एक साल का। जी भाई, 25,000 रुपए लेके आओ और इस गाड़ी को अपना बनाओ। कौन से बैंक से फाइनेंस करके दे रहे हैं? फिलहाल बजाज फाइनेंस से कर रहे हैं, और दिल्ली फाइनेंस है। हाफ हेलमेट तो आराम से आ जाएगा, आराम से आप देख रहे हैं, पूरा एक हाथ मेरा आधा हाथ अंदर घुस जाएगा। कितना लीटर का है सर ये? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंजन ज्ञान में, कम समय में ज्यादा जानकारी। आपका भाई एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आ चुका है। धमाकेदार वीडियो इसलिए क्योंकि अभी मैं हूँ फिलिटो इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में, और आज मैं आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखाने वाला हूँ, और वो भी कम से कम प्राइस में। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मनीष भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चंदन भैया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप आए यहाँ पे और वीडियो शूट किए हमारा। आप पहले भी आ चुके हैं, पहले हमारा सेकेंड हैंड यूज टू व्हीलर का आपने वीडियो बनाया था। अब हम लोग फ्यूचर को देखते हुए और मार्केट का डिमांड देखते हुए हम लोग ईवी भी लेकर आए हैं मार्केट में जी। और ये जो हमारा फ्लीटो ब्रांड है, ये तकरीबन आपको 3 साल पुरानी कंपनी है, ठीक है, और ये कोलकाता का मैन्युफैक्चरिंग, वेस्ट बंगाल की कंपनी है, कोलकाता में इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, ठीक है। तो इस कंपनी को हम लोग बहुत 1.5-2 साल से अप्रॉक्स हम लोग वॉच कर रहे थे, और उसके बाद हम लोग इस कंपनी को फाइनलाइज किए, क्योंकि आप अभी देख ही रहे हैं ईवी मार्केट में बहुत सारा न्यू कंपनीज, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन। हाँ, ऑलमोस्ट कॉम्पिटिशन तो छोड़िए, जो भी जितना भी ब्रांड्स आया सारा 2-3 साल के अंदर आया हुआ ब्रांड्स, और कोई भी प्री एग्जिस्टिंग ब्रांड था नहीं। एक बड़े नाम में कहो तो आप ओला, जो कि हम लोग दूसरे सेगमेंट की वजह से, 3-4 कंपनियां हैं, ठीक है, जो बड़े सेगमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही है कि अभी सारा न्यू कंपनी का एंट्रेंस हो रहा था, तो किस पे बिलीव करे किस पे नहीं, हमको भी एक फाइनलाइजेशन करने में था। तो हम इस कंपनी को बहुत दिन से वॉचलिस्ट में रखे हुए थे, और इसका परफॉर्मेंस और सर्विस सबको देखते हुए एट लास्ट हम लोग इसको फाइनलाइज करके इसका डीलरशिप लिए हुए। अदर ब्रांड्स में आप देखें तो सिर्फ एक बैटरी सेगमेंट को लेकर चल रहे, लिथियम आयन, या इसके अलावा आपका कोई लीड में कर रहा है, कोई ग्रेफीन में कर रहा है, 2-3 बैटरी वेरिएंट है जो कि नॉर्मली ईवी टू व्हीलर्स में अभी यूज हो रहा है एट द प्रेजेंट इन मार्केट। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग लीड एसिड भी यूज कर रहे हैं, ग्रेफीन बैटरीज भी यूज कर रहे हैं, लिथियम आयन भी यूज कर रहे हैं, एज पर द कस्टमर्स नीड एंड डिमांड हम लोग उनको चेंज करके दे रहे हैं। नहीं तो ये जो आप तीन बैटरी का जो ब्रांड बता रहे हैं कि तीनों अलग अलग बैटरी है, डिफरेंस क्या है तीनों बैटरी में? देखिए, लीड एसिड जो नाम ही डिनोट करता है कि लीड में आपका जेली वाला बैटरी होता है, हाँ, नॉर्मली हम लोग पहले से वो चलते आ रहा है। ग्रेफीन में जेल से ठंडा होता है, हाँ, और ग्रेफीन में क्या है आपका पाउडर वाला बैटरी होता है, ठीक है। लिथियम आयन प्लेट्स वाला बैटरी है जो कि हमारे फोन, लैपटॉप, बाकी सारी चीजों में भी यूज होता है, यूज़ वो लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज है। तो बाकी क्या होता है, लीड एसिड और ग्रेफीन बैटरीज में हम लोगों को 1 साल का गारंटी मिलता है, कंपनी से मिलता है, हम लोग वही कस्टमर को देते हैं, 1 साल का गारंटी रहता है, वारंटी नहीं, आपका बैटरी खराब हुआ सीधे आपको डायरेक्टली नया बैटरी यहीं से मिलेगा हमारे शोरूम से। अब इसके अलावा लिथियम बैटरीज में क्या है, हमारी कंपनी नहीं, आप किसी भी कंपनी का लो, लिथियम बैटरी में आपको 3 साल का वारंटी मिलता है। तो इन केस जब आपका बैटरी में कोई समस्या आता है तो हम लोग फिर यहाँ से वो कुरियर जाएगा कंपनी और वहाँ से बन के आएगा। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसमें है कि आपको 3 साल का वारंटी मिलता है, बाकी में 1 साल का गारंटी मिलता है। तो अब जैसा कस्टमर का प्रेफरेंस हो
हम लोग उनको वो बैटरी वेरिएंट दे देते हैं। मनीष भैया, हाँ। तो हम लोग सर गाड़ी भी देखेंगे और बैटरी का और भी बात करेंगे बैटरी के बारे में। सबसे पहले हमें एड्रेस बताइए और एक प्रॉपर फोन नंबर दीजिए जिससे कस्टमर आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारा ये शोरूम जो है वो हरिहर सिंह रोड में है। हरिहर सिंह रोड आपका बरियातू और मोराबादी ग्राउंड के बीच में इंटरकनेक्टिंग रोड है। आप इधर मोराबादी ग्राउंड से भी आ सकते हैं और पल्स हॉस्पिटल के बगल से भी आप आ सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा एड्रेस। इसके अलावा फोन नंबर आप 7700877343 एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, 7700877343 ये हमारा फोन नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट करें, आपको गाइड कर देगा यहाँ पहुँचने के लिए और सारी डिटेल्स भी अगर आपको कुछ पूछना है इनकेस तो ये भी उसमें आपकी हेल्प कर देंगे। और शोरूम आपका जैसे वीक में कभी बंद भी होता है क्या? नहीं, हमारा सातों दिन खुला रहता है। सातों दिन खुला रहता है, सुबह 10 बजे से शाम के 7:30 बजे तक आपको खुला मिलेगा। इसके अलावा अभी हम लोग फाइनेंस का बात कर रहे थे, तो फाइनेंस के पार्ट में मैं आपको बता दूं कि फाइनेंस किसी भी कस्टमर का हम लोग कर रहे हैं। 18-55 एज ग्रुप होना चाहिए। अब पूरा झारखंड में कहीं का भी हो उनको कर देंगे फाइनेंस। पूरे झारखंड में हो जाएगा, झारखंड का कहीं का भी हो जाएगा, ठीक है। और डाउन पेमेंट की बात करें होना चाहिए। हाँ, डाउन पेमेंट की बात करें तो डाउन पेमेंट अप्रॉक्स 30% कह सकते हैं, 30% मिनिमम। मिनिमम नहीं, मतलब वो 25-30% के बीच में रेंज करेगा। हम लोग मैक्सिमम भी बताते हैं कि ताकि सहूलियत रहे सबको, क्योंकि न्यू गाड़ी है ना, तो न्यू गाड़ी में थोड़ा कम भी डाउन पेमेंट होता है तो हो जाता है। इसमें क्या है कि ये अलग कैटेगरी प्रोडक्ट्स ही है। अच्छा, तो अभी ये तो बैटरी वाला है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लिखाना? डॉक्यूमेंट सिर्फ उनको आधार, पैन और बैंक पासबुक का फ्रंट पेज, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, पूरे झारखंड में हो जाएगा। तो चलिए सर, हम लोग अब थोड़ा गाड़ी देख लेते हैं और फीचर्स वगैरह गाड़ी का देखते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहले आपको इसी मॉडल से हम लोग स्टार्ट करते हैं चंदन जी। ये है आपका मैट्रिक्स प्रो मॉडल। हमारा मैट्रिक्स प्रो मॉडल है और इसमें फीचर्स की बात करें तो जैसा ये हो गया इसका रिमोट कीलेस, ये इसमें लॉक अनलॉक तो नॉर्मल फीचर्स है, ये लॉक होगी गाड़ी। उसके बाद है इसमें एंटी थेफ्ट लॉकिंग सिस्टम है। इसमें क्या है कि अगर इसको हम टच करेंगे तो बजर तो बजेगा ही, ठीक है। अगर इनकेस इसके बाद भी अगर इसको हम छेड़छाड़ करते हैं तो इसका दोनों टायर्स लॉक हो जाएगा। अच्छा, लॉक हो जाएगा, एक इंच आगे नहीं बढ़ेगा, हिलेगा नहीं टायर। तो ये इसका एंटी थेफ्ट लॉकिंग सिस्टम है मैकेनिज्म, जो कि बाकी नॉर्मली गाड़ियों में होता है कि सिर्फ बजर बजेगा, ठीक है। बजर बजने के बाद इनकेस उसके बाद भी अगर गाड़ी से छेड़खानी हो रहा है तो दोनों टायर लॉक हो जाएंगे। लॉक हो जाएगा, मतलब चोरी करने का मतलब बिल्कुल सवाल ही नहीं है। गाड़ी एक अगर कोई उठा के लेके जाना चाहे तो लेके जा सकता है, लेकिन अच्छा खासा भारी है, 95 चला के नहीं ले जा सकता, 95 किलो वेट है तो उसको टांग के लिए। और हम लोग बात करते हैं कि जैसे इसमें देख रहा हूँ मैं कि एलॉय व्हील लगा हुआ है। टायर की बात करें तो कौन सा कंपनी का लगा हुआ है टायर? टायर की कंपनी देखिए आप, मेट्रो, मेट्रो टायर की कंपनी है, ट्यूबलेस टायर्स है। और इसमें क्या है कि आप सारे गाड़ियों में हमारा फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको मिलेगा। अच्छा, फ्रंट डिस्क है, पीछे नहीं है, पीछे ड्रम है, पीछे ड्रम है, आगे डिस्क सब में मिलेगा। और मोटर की बात करें तो मोटर कौन सा यूज हो रहा है? मोटर 1000 BLDC का मोटर आपको मिलेगा। अगर इक्विवेलेंट टू 110 cc अगर पेट्रोल इंजन से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो 1000 BLDC इसमें कंपेरिजन होता है। मोटर में आप तो पहले से जान रहे हो, मोटर का आपका काफी है वीडियोस। ये कितने देर में चार्ज हो जाएगा, कितना यूनिट बिजली चाहिए इसको? ये 1.5 यूनिट बिजली आपका लगेगा जिसमें आपका फुल चार्ज हो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा। अगर एक यूनिट अभी रांची का ही अपना प्राइस बात करें तो 8 रुपए यूनिट चल रहा है, ठीक है, 12 रुपए में आपका फुल चार्ज हो जाएगा। कितना किलोमीटर चलेगा? जो बेस मॉडल है अगर बेस मॉडल भी लेते तो सिंगल चार्ज में 75 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो 12 रुपए में आप 75 किलोमीटर चल रहे हैं, आप कैलकुलेशन समझ लो कि आपकी कितना किफायती पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद भी है कि सपोज दैट 1 साल के अंदर तो आपका बैटरी खराब इनकेस होता है तो गारंटी पीरियड में डायरेक्टली नया बैटरी हो जाएगा। 1 साल के बाद भी अगर आपका खराब होता है तो ये बैटरी में सीरीज कनेक्शन है, वो 12 वोल्ट का एक सिंगल बैटरी है। अब उसमें 5 बैटरी लगा हुआ है तो 60 वोल्ट का गाड़ी बना, जो बेस मॉडल है 75,000 75 किलोमीटर जो चलेगा। तो उसमें है कि आपका कभी भी पूरा बैटरी एक साथ खराब नहीं हो सकता, आपका सीरीज कनेक्शन है, कोई एक बैटरी डाउन होगा, दो होगा, तो वो आपको इकोनॉमिकल भी पड़ता है चेंज करने में। उसमें क्या कहने का मतलब है कि सिंगल बैटरी नहीं है, पार्ट बाय पार्ट इसमें यूज किया गया है। 12 वोल्ट का 5 ब्लॉक्स यूज, 5 ब्लॉक्स यूज किया गया है। 72 वोल्ट का गाड़ी उसमें 6 ब्लॉक्स यूज है, ठीक है, ब्लॉक्स में बैटरी है। तो इससे कस्टमर को ये फायदा होगा कि पूरा बैटरी ना चेंज करके जो ब्लॉक मेरा खराब हुआ है मैं उसको चेंज कर दूंगा, फिर से मेरा गाड़ी मतलब बैटरी फिर से ओके हो जाएगा। बिल्कुल, अभी क्या है कि लिथियम आयन बैटरी जो होता है वो सिंगल बैटरी होता है, ठीक है। अब इनकेस अगर वो खराब होता है तो आपको एक बार में पूरा बैटरी बदलना पड़ेगा और वो अच्छा खासा कॉस्टली होता है कि एक बार में आपको
गया 45,000 तो मान लीजिए किसी कस्टमर का एक ब्लॉक खराब होता है वारंटी के बाद जी, तो क्या कॉस्ट आएगा उसका? 3,000 रुपए मात्र, 3,000 सिर्फ 3,000 रुपए। और ऐसे लाइफ की बात करें तो कितना लाइफ होता है एक बैटरी? देखिए नॉर्मली एक साल का गारंटी देता है लेकिन 30,000 किलोमीटर तक रहता है कि उतना चलेगा, या एक साल या 30,000 किलोमीटर वारंटी की बात है। ये तो आप वारंटी आप बोल रहे हैं ना, गारंटी की बात हम बता रहे हैं, एक साल का गारंटी या इसके अलावा आपका 30,000 किलोमीटर 30,000 किलोमीटर तो इसमें क्या है कि ये कंपनी कवर करती है, ये कंपनी कवर करती है जो आपका पहले पूरा हो जाएगा। 30,000 किलोमीटर पहले पूरा हो गया तो एक साल का कोई मतलब नहीं, अगर आपका पहले एक साल कंप्लीट हो गया तो फिर किलोमीटर वो तो मैं समझ गया कि कंपनी जब सेल कर रही है तो वो दे रही है कि 30,000 घंटा या एक साल है ना। तो आप लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे जनरली एक बैटरी का क्या लाइफ होता है? एक बैटरी का देखिए लाइफ की बात करें, लाइफ इसमें ग्रेफीन और लीड एसिड में कह सकते हैं कि 1.5 से 2 साल तक अप्रॉक्स चल ही जाता है, 2-2.5 साल आराम से चलता है, कोई इशू नहीं है। अभी इसमें लिथियम आयन में है कि 3 साल तक वो खींचता है। मनीष भैया ये जो रिमोट आप दिखा रहे हैं कंपनी क्या क्या देती है? इसमें सर आपको हर गाड़ियों के साथ हमारा 2 रिमोट मिलेगा आपको, ठीक है, 2 कीज मिलेगा। अब इसमें एक चीज आपको दिखाता हूँ, अगर आपको चाबी यूज नहीं करना है डायरेक्टली रिमोट से गाड़ी को ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, ये आप मीटर देखिए, गाड़ी आपका ऑन हो चुका है, गाड़ी स्टार्ट हो गया, गाड़ी स्टार्ट हो गया। आप चाबी देखिए, चाबी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये स्टार्ट हो चुका है आपका। मतलब इस गाड़ी को हम लोग चाबी से भी ऑपरेट कर सकते हैं, बिना चाबी की अगर स्टार्ट भी है, और की स्टार्ट भी है और रिमोट से भी चला सकते हैं अगर चाबी मतलब बाय द वे कभी भूल गया तो हम लोग रिमोट से गाड़ी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बंद भी यहीं से कर सकते हैं। अब आते हैं कि हम लोग इसका सबसे अच्छा पार्ट दिखाते हैं जो बाकी कंपनियों में नहीं है, इसका बूट स्पेस, ओके, जो की बहुत इसका डिसेंट है, बहुत अच्छा है। ये देखिए आप, दो हाफ हेलमेट तो आराम से आ जाएगा, आराम से आप देख रहे हैं पूरा एक हाथ मेरा आधा हाथ अंदर घुस जाए। कितना लीटर का है सर ये? ये आपका 42 लीटर का। अच्छा अच्छा, और ये इसके अंदर इमरजेंसी स्विच भी मुझे दिख रहा है, ये MCB है आप कह सकते हो कि फ्यूज, ये पूरा सर्किट आपको अगर इनकेस आपका गाड़ी का यूज नहीं है अभी, आपको 15 दिन महीने दिन के लिए बाहर जाना है, आप सीधा फ्यूज निकाल दो या MCB इसमें है, MCB गिरा ऑफ कर देंगे तो मतलब बैटरी मेरा डाउन नहीं होगा, डाउन नहीं होगा, ड्रेन नहीं होगा बैटरी, जितना है उतना ही रहेगा। ये इसका चार्जर हो गया, ओके, और चार्जर दिखाइए कैसा है। चार्जर पे भी आपको एक साल का गारंटी मिलता है, ठीक है। और ऐसे कॉस्ट की बात करेंगे तो क्या कॉस्ट है? चार्जर के ऐसे आपको 1300 कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। चार्जर में फीचर्स क्या क्या है? चार्जर में आपको सारा ये बैटरी का बताएगा कितना परसेंट आपका चार्ज हुआ है बैटरी। अच्छा, ऑटोमेटिक ये कट भी हो जाता होगा? ऑटोमेटिक पावर कट है, 20, 40, 60, 80, 100 पावर ऑटोमेटिक कट हो जाता है। इसमें फैन लगा हुआ ठंडा होने के लिए। कितना वोल्टेज का है ये और क्या कौन सा सॉकेट यूज करना पड़ेगा इसके लिए? देखिए ऐसा कुछ इसमें अलग टाइप का आपको सॉकेट का जरूरत नहीं पड़ेगा, हाँ ठीक है। इसमें आप जो नॉर्मली हम लोग जो घर में यूज करते हैं जिससे अपना फोन भी चार्ज कर रहे हैं, बाकी चीजें भी कर रहे हैं, नॉर्मल चार्जर से चार्ज हो जाएगा उसमें। तो घर में जैसे दो तरह की सॉकेट होती है, एक तो फ्रिज हम लोग लगाते हैं, बिल्कुल, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, दूसरा हम लोग फोन चार्ज करते हैं। जस्ट इसको एक ही रिक्वायरमेंट है इसका कि इसको 3 प्लग सॉकेट चाहिए, दैट्स इट, और इसका कुछ भी नहीं है। जिससे नॉर्मली आप फ्रीज वॉशिंग मशीन में भी आपका 3 प्लग सॉकेट रहता है, ठीक है, तो आप उसी में इसको भी यूज कर सकते हैं, इसमें अलग से कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। और सर इसको चार्ज करने के लिए सॉकेट कहाँ लगेगा? देखिए आपका चार्जिंग सॉकेट भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये इसका प्लग इन का है। अच्छा, यहाँ पे जी, मतलब कोई भी इसको आसानी से लगा सकता है, चार्ज कर सकता है, बिल्कुल। और कौन कौन से फीचर्स है इसमें? जैसा कि आपने बताया ये पैनल है ना, देखिए यहाँ पे बॉटल आप रख सकते हैं, काफी स्पेस है। पैनल में क्या क्या मिल जाता है हमको? पैनल में आपको एक तो आपको बैटरी दिखाएगा आपका, बैटरी परसेंटेज, किलोमीटर, स्पीड यहाँ पे मिलेगा। अब ये पी है मतलब पार्किंग में गाड़ी ऑन नहीं है, अब ये आपका स्टार्ट हो गया गाड़ी। अब ये यहाँ पे इसका गियर नॉब है, ये अभी जैसा कि आप यहाँ पे 2 देख रहे हैं लिखा हुआ, ठीक है। अब ये 3 हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ 1, 2, 3 तीन मोड दिया हुआ है गियर्स का। अच्छा, ठीक है, इसमें 3 मोड है ना, 1, 2, 3 साथ आपका तो, रिवर्स सिस्टम है, रिवर्स गियर सिस्टम भी है। अच्छा, रिवर्स सिस्टम भी है इसमें जी। अच्छा, रिवर्स के लिए कौन सा बटन दिया गया है? रिवर्स के लिए ये बटन है आपका, इसे हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। सारे गाड़ियों में R लिखा हुआ है, वो आपका रिवर्स, ये रिवर्स के लिए, मतलब हमको लगता है कि 4 से 5 किलोमीटर की रफ्तार से पीछे गाड़ी जाएगी। और ये आपका छोटा सा ये DRL हेडलाइट्स है इसमें, जो कि काफी प्यारा लगता है अगर थोड़ा आपको कम रोशनी में चलना है। इसके अलावा हेडलाइट्स आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा, सारा LED हेडलाइट्स है, सारा LED है ना जी। चार्जिंग पॉइंट वगैरह कुछ दिया गया है क्या? मोबाइल वगैरह चार्ज कर सके हम लोग? मोबाइल वाला पोर्ट चार्जिंग आपका दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका केबल पोर्ट है, USB पोर्ट डाला हुआ है ना, पोर्ट ये है। तो आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हो, है ना, केबल लगा के मोबाइल फोन इसमें आराम से डाल के चल सकते हो। और आपका जो पैनल हो गया डिजिटल है, कोई भी किसी भी चीज की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है गाड़ी में, है ना।
और टायर वगैरह आपको मेट्रो को मिल जाता है। कितना इंचेस का टायर है इसका? ये 10 इंचेस का, 10 इंचेस का आगे पीछे का टायर मिल जाता है आपको एलॉय व्हील के साथ में। आगे डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे ड्रम मिल जाता है, DRL लाइट मिल जाता है, LED हेडलाइट आपका LED मिल जाता है। DRL का आपको बहुत सारा मॉडल्स दिखाऊंगा सर, अभी तो एक हम लोग शुरू किया है। हाँ। अभी उसमें देखते हैं आगे, और DRL हेडलाइट्स का बहुत खूबसूरत मॉडल है, अभी दूसरे वाले में चलते हैं हम लोग। हाँ। ये हमारा एक ये मिनी फ्लीट मॉडल है सर। आगे बढ़ने से पहले इसका थोड़ा प्राइस की बात करते हैं हम लोग, है ना? देखिए इसमें जो बेस मॉडल है हमारा, हाँ, हाँ। जो बेस वेरिएंट है जो 60-28 एम्पियर में हम लोग देते हैं, 60 वोल्ट 28 एम्पियर में, 62,000 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 62,000 मात्र 62,000, क्योंकि आप अदर कंपनियों से कंपेयर करें तो 1.25 लाख से सबका स्टार्ट हो रहा है। हम लोग इस प्राइस सेगमेंट को भी देखते हुए कि इकोनॉमिक पड़े, क्योंकि ईवी आज के डेट में लेने का सबको मन है, लेकिन प्राइस के वजह से नहीं ले इतना महंगा पड़ता है कि 1.5 लाख 2 लाख या अप्रॉक्स प्राइस चला जा रहा है, इस वजह से लोग नहीं ले पा रहे। तो इसीलिए हम लोग एक ऐसा देख भी रहे थे कि गाड़ी की भाई हम लोग ऐसा ले जो मार्केट में इकोनॉमिकल हो, लोग अफोर्ड कर पाए उसको, वो ये है। तो ये 62,000 की गाड़ी है ना? जी। एक चार्ज पे कितना चलने वाला है? 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर। गाड़ी का वजन कितना है? गाड़ी का वजन आपको 80 kg के अप्रॉक्स 80 kg है। कितना लोड लेके चल सकता है? 250 किलो तक एक्स्ट्रा लोड आप लेके चल सकते हो, 250 kg, मतलब दो आदमी आराम से चल सकते हैं। दो आदमी आराम से, कुछ आप वेट भी कैरी करके चल सकते हो उसमें कोई। तो गाड़ी के साथ आप हेलमेट फ्री दे रहे हैं कि गाड़ी का हेलमेट अलग? गाड़ी के साथ हम लोग ये कर रहे हैं कि आपको जो आपके व्यूअर्स आएंगे उसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड एक्सेसरीज जो है जैसे मैट वगैरह, गार्ड्स वगैरह, ये सब हम लोग लगा के देंगे। वो अलग से आप लगा के जी, देंगे जी। और 62,000 में कुछ डिस्काउंट भी होगा कि फिक्स प्राइस है? नहीं, अभी ये प्राइस तो फिक्स है, बाकी ये है कि अभी स्टैंडर्ड एक्सेसरी जिसका प्राइस ही 2500 रुपए है, ठीक है, उसको हम लोग एडिशनली दे रहे हैं, तो बस वही है अभी हमारा, क्योंकि हमारा नया ओपनिंग भी है और आपके व्यूअर्स के लिए स्पेशली हम लोग करेंगे। तो आपको एक्सेसरीज सर की तरफ से फ्री मिलने वाला है, आप आके ले सकते हो। और बात है कि अफोर्डेबल है भाई, 62,000 में आपको ईवी मिलना बड़ा मुश्किल है। 62,000 की गाड़ी है और मात्र 25-30% डाउन पेमेंट कीजिए और आप इस गाड़ी को अपना बना सकते हैं। इस पे भी सबसे बड़ी चीज बताऊं आपको, हाँ, इसमें ईवीज में आपको बैटरी मेन पार्ट है, बैटरी हो गया, मोटर हो गया, कंट्रोलर हो गया, चार्जर हो गया, चारों चीजों पे गारंटी है, पूरा गारंटी नहीं, गारंटी है, खराब हुआ सीधा नया रिप्लेस। कितने साल की गारंटी दे रहे हैं? एक साल का गारंटी है। हाँ। एक साल का गारंटी है, नॉर्मली आपका 2-2.5 साल खींचेगा। हाँ हाँ। उसके बाद भी सारे पार्ट्स का इसका बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट, आप सोच सकते हो कि 60,000-62,000 में अगर पूरा गाड़ी तैयार हो जा रहा है तो उसके पार्ट्स का कितना नॉमिनल कॉस्ट होगा। सही बात है, ठीक है, तो कभी भी वो कस्टमर पे इकोनॉमिकल ही रहेगा, उतना बर्डन नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, बहुत अच्छा। और स्पीड की बात करते हैं, इस गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है क्या? देखिए इस गाड़ी में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, लो स्पीड गाड़ी है, लो स्पीड गाड़ी है। इसका टॉप स्पीड आपको 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे जाएगा और ये ICAT जो अक्रेडिटेशन काउंसिल है उससे वेरीफाइड है, फॉर नो रजिस्ट्रेशन एंड नो लाइसेंस रिक्वायर्ड टू ऑपरेट दिस व्हीकल। मनीष भैया, जैसे कि इसमें तीन मोड है ना, एक रिवर्स मारेंगे मतलब चार गियर हो गया, अगर एक नंबर पे हम लोग चलते हैं तो कितने की स्पीड में चलेगी? एक नंबर में आपका आराम से 20 प्लस जाएगा। दो नंबर में आपका 30 क्रॉस कर जाएगा और तीन में 45 टॉप स्पीड तक जाएगा। तो अगर हम लोग टॉप स्पीड में चलाएंगे, अगर दो नंबर पे चलाते हैं तो माइलेज ज्यादा देगा कि नहीं देगा? नहीं, देखिए कोई भी अगर जो कंपनी क्लेम करती है वो स्टैंडर्ड वेरिएशंस पे क्लेम करती है कि आप इकोनॉमिकल चलो, लोड कम रहेगा, रोड्स प्लेन रहेंगे, सीट नहीं रहेगा, आप एक्सलेटर बार बार अप एंड डाउन नहीं कर रहे हो, एक स्टैग्नेंट पोजिशन में चल रहे हो, ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड वेरिएशंस रहता है जिसमें कंपनी का ये माइलेज वाला पैरामीटर्स रहता है। तो नॉर्मली जो हम लोग और कस्टमर्स जो यूज करेगा तो भाई उसमें 10-15 किलोमीटर का डिफरेंसेस आ सकता है एज द कंपनी क्लेम्स। फ्लीटों का आपने बताया कि जैसे कि 4-5 मॉडल है और ये वाला जो मॉडल है हमारा ये कितना किलोमीटर बोले 1-4 पे चलेगा? देखिए मॉडल्स हमारा जो भी है, जैसे ये हमारा मैट्रिक्स प्रो है, ये जो आप देख रहे हो लगा हुआ ये मिनी फ्लीट है, तो इसमें बैटरी मेन पार्ट अदा करता है, ठीक है, तो आपका गाड़ी का मॉडल्स आप डिजाइन्स, किसी को ये पसंद आ सकता है, हो सकता है किसी को ये डिजाइन पसंद है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो डिजाइन जो भी पसंद है आप किसी में भी, आपको बेस मॉडल दे दूंगा जो आप 62,000 जो मैंने बोला किसी में भी आपको 62,000 का बना के दे दूंगा, क्योंकि बैटरी चेंज होता है उसमें। अच्छा, बस मेन पार्ट जो है बैटरी वेरिएशन का खेल है, डिजाइन सारा सेम रहेगा, तो जैसे सारे गाड़ियों में सेम है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे हम लोग 62 किलोमीटर की बात कर रहे हैं जी, तो इसका रेंज कितना तक जाएगा अगर बैटरी हम लोग चेंज करेंगे तो? बैटरी का ही बता रहा हूँ सर आपको कि उसमें लगेगा 60 वोल्ट 28 एम्पियर का बैटरी लगेगा और वो आपको 75 किलोमीटर जाएगा, ठीक है? अब ये बैटरी आप इसमें लगा लो या इसमें लगा लो, किसी में भी लग जाएगा। हाँ, डिजाइन में माइनर वेरिएशन है, जैसे कि इसमें 5,000 इससे ज्यादा है मैट्रिक्स प्रो का, इसका 5,000 कम है, ठीक है, तो 62,000 वाला जो सबसे सस्ता मॉडल है वो ये है मिनी फ्लिट,
इससे थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा, ये 67,000 का पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, वो डिजाइन पे माइनर आपका वेरिएशन है, 4-5,000 का डिफरेंस पड़ेगा जितने अभी डिजाइन आपको दिखाएंगे। अभी मेन जो आपका डिफरेंस आएगा वो बैटरी पे आएगा, बैटरी पे कितना रेंज का चाहिए। अब किसी का रनिंग है 100 किलोमीटर पर डे का चलना है अप्रॉक्स, तो वो उसका भाई वो कॉस्टिंग बढ़ेगा। ठीक है, अब किसी का कि नहीं, मान लीजिए कि हमको 100 किलोमीटर प्लस चाहिए, 100 प्लस चाहिए, बिल्कुल, तो कितना में आ जाएगा वो? आपको 1,00,000 के अप्रॉक्स पड़ेगा, और वो आपको 120 किलोमीटर का रेंज देगा, 120 किलोमीटर का रेंज देगा एक चार्ज पे, है ना? सिंगल चार्ज पे 120 किलोमीटर 1,00,000 के रेंज में आ जाएगा मेरा गाड़ी। तो बात करते हैं सर, ये जो ब्रांड है फ्लूटो, ये सर ब्रांड है कहाँ की? ये ब्रांड है सर वेस्ट बंगाल की ब्रांड है, वेस्ट बंगाल का ब्रांड है। और बात करते हैं सर्विस की अगर हम लोग, तो सर्विस कहाँ मिलेगा इस गाड़ी का? सर्विस यहीं पे मिलेगा, और सबसे मेन सेल एंड सर्विस आप ही के पास? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सबसे मेन चीज हम इसी को प्रेफरेंस देते हैं। आज के डेट में सब सेल पे लगे हुए हैं, ठीक है, हम सेल पे नहीं, आफ्टर सेल सर्विस, सर्विस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बाकी अदर कंपनीज, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारा कंपनी आया, खुला और बंद भी हो गया। हाँ, सही है, ठीक है, क्योंकि वो सर्विस नहीं दे पाए, सर्विस अफोर्ड नहीं कर पाए। और पार्ट्स इसका मिल जाएगा हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी पार्ट्स खराब होगा तो कस्टमर को आप देंगे। से हमारे रांची का डिफरेंस ही कितना है, 6 से 7 घंटा बाई रोड है। हाँ जी, ठीक है, तो हमारा है कि अगर कोई पार्ट्स इनकेस मेरे पास अवेलेबल नहीं दिया, आपको कल विद इन 24 आवर्स आपको पार्ट्स अवेलेबल करा के दूंगा यहीं से। ओके, तो सर हम लोग बात करते हैं इस वाले मॉडल की, इसका क्या प्राइस आ रहा है? इसका 62,000 सेम प्राइस है। हाँ, 62 से लेके ये आपका 85 तक जाएगा, ये बैटरी वेरिएंट पे डिपेंड करेगा। ओके, जिस बैटरी जितना आपको माइलेज चाहिए, आपको 100 किलोमीटर चलना है, आपको 150 किलोमीटर चलना है, ठीक है, आपको 80 किलोमीटर तक चलना है, जितना चलना है उस हिसाब से आपका बैटरी चेंज होगा, बैटरी का पावर बढ़ेगा, और जो आपका गाड़ी पे प्राइस बढ़ेगा वो बैटरी की वजह से बढ़ेगा, क्योंकि आपको बैटरी ज्यादा चाहिए। मॉडल और मॉडल्स का प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। तो लिथियम आयन की अगर बात हम लोग करें तो क्या कॉस्ट आता है, जैसे खराब हो गया 2 साल के बाद मेरी बैटरी? लिथियम आयन का बैटरी का कस्टमर को अप्रॉक्स 45,000 के आसपास पड़ेगा। अगर चेंज करना है तो 45,000 लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग ग्रेफिन लगाते हैं, लीड एसिड लगाएंगे, तो अगर मेरा ब्लॉक खराब होता है 3,000 का, तो मैं 3,000 उसके बाद आपको फिर से जब आप नया लगाओ फिर से आपको उस पे 1 साल का गारंटी मिल गया। इन केस वो 1 साल के बीच में खराब होता है, आपको वो फिर रिप्लेस होकर नया, तो वो ब्लॉक्स मुझे दिखा सकते हैं क्या? वो ब्लॉक्स तो अंदर फिटिंग रहता है सर, हम ये कर सकते हैं कि आपको बाहर से अगर आप कैप्चर हो पाए यहाँ से, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें ये बैटरी लगा हुआ है अप्रॉक्स यहाँ यहाँ तक रहेगा, इसमें 3 बैटरीज है, 3 ब्लॉक्स इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे 3 बैटरी है ना। हाँ, ये पार्ट बाई पार्ट है जी, अलग है, इसको सीरीज किया गया जी, है जी, जी, ये सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में 1, 2, 3 ऐसे। तो मुझे लगता है कि आपको ग्रेफिन या लीड एसिड में जाना चाहिए अगर आप भविष्य देखते हैं, तो नहीं तो अगर आप लिथियम आयरन में जाएंगे तो एक ही बार में आपका 45-50,000 लग जाएगा, तो आप डर जाओगे कि लेना ही नहीं। तो भाई जैसा कि हम लोगों ने फ्लूटो के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, इस गाड़ी में जो भी फीचर्स है हम लोगों ने उसके बारे में बात की, वारंटी की बात की, गारंटी की बात, तो सबका रेट जानते हैं और क्या क्या खासियत है सभी गाड़ियों में वो बताता हूँ आपको, और कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करके ये गाड़ी आप अपना बना सकते हैं। तो चलिए मनीष भैया के पास चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर इस गाड़ी के बारे में बताइए सर। ये हमारा वुल्फ वॉरियर मॉडल है। हाँ? और ये फुल DRL हेडलाइट्स है, ठीक है, इसमें देख रहे हैं, रिमोट इसमें भी मिल जाता है ना? सब में। और देखिए बाकी ये हेडलाइट इसका जल गया जी। बाकी ये देखिए DRL इसका बहुत ही प्यारा DRL हेडलाइट्स है, और बाकी लगभग गाड़ियों में हमारे DRL लाइट्स आपको मिलेगा जी जी। इसके अलावा फीचर्स इसमें भी सब में सेम है। हाँ? इसका रेंज थोड़ा ज्यादा है, ये 72-40 वेरियंट का है। इसमें आपको सिंगल चार्ज पे 100 किलोमीटर के अप्रोक्स चलेगा जी गाड़ी, ठीक है, और इसकी प्राइस की बात करूं तो आपको 78,000 में पड़ेगा। मिनिमम डाउन पेमेंट आप मान के चलो 25,000 कोई लेके आएगा, मैं उसको फाइनेंस करके दूंगा भाई। 25,000 रुपए लेके आओ और इस गाड़ी को अपना बनाओ। और सर फिनांस कितने दिनों के लिए हो जाएगी? फिनांस वो कस्टमर पे डिपेंड करता है, हम 8 महीने से लेके हमारा 2 साल तक का है, 2 साल तक का है, 8 महीने से लेके 24 महीने तक का, एज पर द कस्टमर्स नीड एंड डिमांड उसको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है सर, अगली गाड़ी की बात करते हैं हम लोग। ये मैट्रिक्स प्रो, जैसा कि हम लोग इसको ग्रीन कलर पे हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, उसी का ये कलर वेरिएंट है, ठीक है, ये ब्लू कलर का है, ठीक है, और इसमें ये लिथियम आयन बैटरी में हम लोग मंगवाए हैं। हाँ। ठीक है, वो जो हम लोग देखे थे वो ग्रेफिन बैटरी में था, ये लिथियम आयन बैटरी में है जी। अगर और प्राइस की बात करें तो इसका 62,000 रुपया नहीं, इसका लिथियम आयन का आपका पड़ेगा 95,000। कितना रेंज ये देगा? आपका सिंगल चार्ज पे 120 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, 95,000 प्राइस इसका। 95 मिनिमम डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा? मिनिमम डाउन पेमेंट इसमें 30,000 का अप्रॉक्स कह सकते हैं भाई। 30,000 देखिए इस गाड़ी को आप बना सकते हैं, लिथियम आयरन बैटरी के साथ ये गाड़ी आपको मिल जाती है। 3 साल का इसमें वारंटी मिलेगा बैटरी पे, बैटरी पे। हाँ। और बॉडी पे? बॉडी फाइबर बॉडी पे तो कुछ नहीं मिलता है कि कोई भी कंपनी नहीं देती,
बाकी आपका मोटर कंट्रोलर चार्जर बाकी सब पे एक साल का गारंटी मिलेगा। बैटरी पे तीन साल का वारंटी, बाकी सारे चीजों पे गारंटी एक साल का। जी अगली गाड़ी की सेम है आपका मैट्रिक्स प्रो ही है। सेम है। इसमें कौन सा बैटरी लगा हुआ है? इसमें लीड एसिड लगा हुआ है। ये कितना रेंज देगा? 75 किलोमीटर वाला ही ये बेस्ट मॉडल ही है। प्राइस की बात करें? प्राइस आपका 67,000 मिनिमम डाउन पेमेंट 25। भाई 25,000 देखिए, इस गाड़ी को भी आप अपना बना सकते हैं। अगली गाड़ी की बात करते हैं। ये आपका वुल्फ वॉरियर ही है जो कि रेड वाला हमने आपको दिखाया था। इसका ये यूवी कलर है, आप देख पा रहे हैं वीडियो में भी, अगर आप देखोगे तो ये हर एंगल से अलग अलग कलर्स दिखेगा इसका। ठीक है, ये यूवी कलर है इसका और ये भी लिथियम आयन बैटरी में आया हुआ है और इसका आपको पड़ेगा 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपया लिथियम आयन में। रेंज कितना देगा? ये आपको 120 किलोमीटर सिंगल चार्ज पर, और इसका पड़ेगा आपको डाउन पेमेंट की बात करें तो 30,000। अगर कोई पंदू लेके आते हैं तो 30,000 में इसका हो जाएगा। भाई देखो लिथियम आयरन के साथ है, इसका जो रेंज है 120 किलोमीटर का, प्राइस वाइज बात करें तो 1,00,000 रुपया इसका दाम है ना जी। ये है हमारा वुल्फ प्रो मॉडल, ये फुल DRL हेडलाइट्स वाला है, ये तो बहुत देख ही सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर माइलेज का बात करें तो ये है आपका ग्रेफिन बैटरीज में, ग्रेफिन जी, और ये आपको पड़ेगा 90,000 के अप्रोक्स, और इसका भी सेम रहेगा 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर। और जरूरी एक चीज और डिस्क्लेमर मैं दे देना चाहता हूँ, अगर किसी को यही लेना है, यही गाड़ी कलर पसंद आ रहा है लेकिन उनका उतना बजट नहीं है कि 95,000 में जाए, उनको बेस मॉडल में यही चीज चाहिए था 62,000 वाला जो हम लोग बोले थे जी, तो उसी में जो मॉडल का डिफरेंस है, मान लीजिए वोल्फ प्रो का हमारा 68,000 पड़ता है, उनको 75 किलोमीटर ही चलना है लेकिन उनको यही पसंद है तो हम उनको यही देंगे 75 किलोमीटर के रेंज में ही, 68,000 में हम उनको यही दे देंगे। बैटरी चेंज हो जाएगी, बैटरी चेंज कर देंगे, यही गाड़ी आपको उतने में भी मिल जाएगा। तो प्राइस जो अभी करंट का बैटरी फिटिंग है उस हिसाब से बता रहे हैं, जो कस्टमर को जो भी गाड़ी पसंद हो उसको हम उस रेट में करके दे देंगे। रेंज के हिसाब से गाड़ी का प्राइस चेंज होगा, ये ध्यान रखिएगा बात, है ना। और जितने भी आपके पास मॉडल्स है फ्लूटो का, है ना, तो किसी में भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है? नहीं, किसी में भी रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल। सारे गाड़ी हमारा जो है वो ICAT अप्रूव्ड है, सब में आपको कार्ड मिलेगा ICAT अप्रूवल का। ठीक है, एक आपको दिखाता हूँ, एक कार्ड दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो भाई कोई भी गाड़ी में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। हेलमेट आपको लगाना है क्योंकि सेफ्टी आपकी है, और आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है, तो ये सब गाड़ी आप बिना रजिस्ट्रेशन का चला सकते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और कार्ड किस तरह का होता है मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। ये कार्ड आपको सारे गाड़ियों में मिलने वाला है। अब इसमें क्लियरली मैं आपको दिखा दूं, फ्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ प्रोडक्ट ऑफ फ्लीटवर्थ ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी आर सर्टिफाइड बाय ICAT इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, वाइड URL नंबर डेटेड 13/7/2001 फॉर एग्जेम्पशन ऑफ नो रजिस्ट्रेशन एंड नो लाइसेंस। ये आपको हर गाड़ियों में मिलेगा भाई, सर्टिफिकेट आपको हर गाड़ियों में मिलेगा, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, हेलमेट कैरी करना पड़ेगा क्योंकि हेलमेट सेफ्टी के लिए लोग पहनते हैं। मिनिमम डाउन पेमेंट क्या करना पड़ेगा? मिनिमम डाउन पेमेंट अप्रोक्स 26-27,000 20,000-25,000 रुपए देके इसको फिनांस भी करा सकते हैं। अगली गाड़ी सर, ये वाली मॉडल, ये सेम आपका मैट्रिक्स प्रो है, इसका रेड कलर है। ये मॉडल हमने दिखा दिया है आपको और फीचर्स भी सब कुछ बता दिया है। अगर किसी को भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना हो प्लूटो के शोरूम में आ सकते हैं, जैसा कि फोन नंबर चल रहा है और एड्रेस हमने बता दिया है, तो कोई भी दिक्कत होगा आप फोन कीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और कहां आना है, कब आना है, वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। किसी तरह कोई प्रॉब्लम होगा तो आप सारी जानकारी ले सकते हैं फोन करके। तो मनीष भैया ने हमें बहुत सारी जानकारी दी है प्लूटो के बारे में और सारा मॉडल दिखाया है, क्या प्राइस आएगा, कितना रेंज है, क्या है, कितने में फाइनेंस हो जाएगा, पूरे झारखंड वासियों के लिए फिनांस करके दे रहे हैं सर जी। कौन से बैंक से फिनांस करके दे रहे हैं? हम लोग फिलहाल बजाज फाइनेंस से कर रहे हैं और दिल्ली फाइनेंस है, एक जो बहुत लोग नहीं जानते दिल्ली फाइनेंस के बारे में। हाँ, तो एक ये भी है जो कि ईवी सेगमेंट में वो फाइनेंस कर रही है। बजाज तो सबके पास होगा, है ना, बजाज सबके पास। तो भाई अगर बजाज कार्ड आप यूज करते हो तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आप लेके जा सकते हो।